हे गाइस व्हाट्सएप, वेलकम बैक टू माय गेमिंग चैनल। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम प्ले करने वाले हैं फार्मिंग सिमुलेटर 16। तो वेलकम टू फार्मिंग सिमुलेटर 16। चले गाइस आज के इस गेम प्ले को स्टार्ट करते हैं। यस, तो भाई अभी है जो मैंने वॉश करवा लिया अपनी इस ट्रॉली को, काफ़ी ज़्यादा गंदी थी, आप लोगों ने थोड़ा देर पहले देखा होगा। और अभी है जो हम इसका यूज़ करने वाले इस फार्म में। गाइस यूज़ करते करते ये फसल तैयार ना हो जाए क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। और ये है जो स्टेज 4 पर आ चुकी है हमारी फसल, और स्टेज 5 पर है जो तैयार हो जाती है अभी फ़िलहाल में। और गाइस अभी है जो मैं थोड़ा गाइस सबसे पहले तो वॉश कर लेता हूँ अपने एक और हार्वेस्टर को, उसे गाइस वॉश करता हूँ। ये रहा जो कि मैंने रखा था यहीं पास, मैंने सोचा जैसे ही वीडियो बनाऊँगा और इसे वॉश करके दिखा दूँगा। तो भाई अभी है जो कॉर्न तो मैंने इस वाले गेम में कहीं भी नहीं लगाई, हर जगह मैंने वीट ही वीट लगा दी थी क्योंकि थोड़ी मुझे स्ट्रॉ भी बनानी थी। और चलो ठीक है, वीट काफ़ी सही है। तो भाई हमें जो इसमें एक हेडर परचेस करना पड़ेगा जो कि रहेगा वीट का, तो उसके लिए गाइज मेरे पास पैसे बहुत हैं, 2 लाख रुपए हैं। और अभी गाइज हम और भी कर लेंगे क्योंकि मैं सोच रहा हूँ एक फॉरेस्ट्री के टूल्सों को परचेस करना स्टार्ट करूँ। तो सबसे पहले तो गाइज जो मशीन ट्री को कट करती है वो परचेस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग गाइज अगर कमेंट करना और बताना कि मैं फॉरेस्ट्री के टूल परचेस करूं या नहीं। तो भाई अभी है जो मैंने वो आई बटन आया था, वन लिखा आया था, उसे पर क्लिक किया। और भाई यहाँ पास मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ, भाई जहाँ पास पहले थी पहाड़ के पास, तो वहीं पास एक बार और लोकेशन है। तो चलो यार चलते हैं, और डायरेक्ट वहाँ जाने के बाद है जो हम मिलते हैं। तो भाई यार आ चुके हैं अभी, और ये जो ट्रॉली है ये कनोला की है। तो चलो यार इसे अटैच करते हैं, फालतू के पैसे हैं इन्हें हम जाने नहीं देते, फ्री के पैसे। तो ये लोकेशन गाइस पास ही में, अभी आपको थोड़ा नीचे दिखा देता हूँ। और ये देखिए, तो भाई हमें जो हेल्पर का यूज़ करने वाले हैं, तो चलो यार हेल्पर को लगाते हैं। और ये ऑटोमेटिक है जो कनोला नाइसली डन होके आ जाएगी, ठीक है। चलो जब तक हम कुछ टूल्सों का यूज़ कर लेते हैं। भाई अभी है जो मुझे फ़िलहाल में गाइज ले चलने आए भाई हार्वेस्टर को, जो कि गाइज ये वाला नहीं, हम कैश का हार्वेस्टर लेकर जाएंगे। ये रहा, तो इसे गाइज ले जाना है हमें अरे बड़े वाले फार्म में, जो हमारे पास अभी है बिग वाला फार्म, वहाँ पास इसे ले जाना है जस्ट सामने। तो यार चलो जल्दी से जल्दी इसको ले चलते हैं। और गाइज यार अभी ये जो मैसेज आ चुका है नाइसली डन, मतलब बोल रहा है भाई आप लोगों ने जो सही तरीके से इसे कर लिया। और भाई जाते ही जाते यहाँ पास मैसेज पढ़ते ही पढ़ते, और अभी आ चुकी है ये फसल, तैयार हो चुकी है। तो चलो यार डायरेक्ट ही हेल्पर का यूज़ करते हैं। और अभी गाइज है जो हमारी वीट है जो कट हो रही है, और इसी के है जो हम स्ट्रॉ भी बनाने वाले हैं। तो चलो यार जल्दी से स्ट्रॉ वाले जो बिग बिलर है उसे अटैच करेंगे। तो भाई अभी हमें इस वाले ट्रैक्टर का यूज़ करना है, उससे पहले इसे बंद कर दें क्योंकि ये फसल भी आ चुकी है भाई साथ में, दोनों को मैंने साथ में लगाया था। चलो यार अभी इसे उसी की जगह पर रख देता हूँ, जहाँ पास से मिरर है जो तैयार होती है, मिरर मैनुअल भाई जो भी आप लोग बोलते हो, मैं यूज़ करूँगा मिरर का, ठीक है भाई। मैं जो भी यूज़ करता हूँ आप लोगों को बता देता हूँ भाई मैं किस वर्ड का यूज़ करने वाला हूँ। तो भाई चलो यार अभी बिग बेलर को अटैच करते हैं और ले चलते हैं जहाँ पास से अभी हमने स्टार्ट किया है हार्वेस्टर। चलो भाई, तो चलो यार स्ट्रॉ बनाना शुरू करते हैं, और अभी देखते हैं स्ट्रॉ बनती है नहीं। और भाई ये एक स्ट्रॉ बन चुकी है, चलो यार नाइसली सब कुछ सही हो रहा है और स्ट्रॉ भी बढ़ रही है। चलो यार जो हमने अभी मतलब ट्रैक्टर लगाया था उसे हम वापस लेकर आते हैं, क्योंकि यार चलो जस्ट सामने ये यहाँ पास से पड़ा हुआ है, इसे ले चलते हैं भाई। गाइज यार मैं जा रहा था अपने हाउस में, तभी मैंने सोचा क्यों ना हेडर परचेस कर लिया जाए, और हेडर था नहीं तो मैं सीधा आ गया शॉप में। और अभी एंट्री कर चुके हैं, तो चलो यार शॉप में चलते हैं और हेडर को परचेस करते हैं। गाइस हेडर हमें परचेस करना है ये, अरे सॉरी ये वाला बैक जा भाई, और ये है 14,000 का। तो पैसे वगैरह की हमने नहीं सोचा, और डायरेक्ट ही हम लोगों ने हेडर परचेस कर लिया है अभी, और इसे अटैच करते हैं और ले चलते हैं जो अभी अभी फसल तैयार हुई है, जहाँ पास से हमने मिरर का यूज़ किया था उसी फार्म में से ले जाना है। तो चलो यार डायरेक्ट मिलते हैं इसे ले जाने के बाद। गाइज मैं हेडर को लेकर जा रहा था अपने हाउस, तभी मैंने यहाँ पास से देखा कि भाई कुछ गड़बड़ी है, तो मैंने सोचा क्यों ना पहले उसे चेक कर लिया जाए। और यहाँ पास से मैंने देखा भाई जो हमारी बिग बेलर है वो फंस चुकी थी, जस्ट सामने आ चुकी थी हार्वेस्टर के, तो मैंने सोचा पहले इसे हटा दिया जाए। फिर गाइज मैंने चेक किया, और यहाँ पास से गाइज मैंने देखा कि जो टैंक का हार्वेस्टर का जो टैंक है वो भी फुल हो चुका है। फिर मैंने सोचा
कि क्यों ना पहले हेडर को रख लिया जाए, देन ट्रॉली को लाते हैं और फिर करते हैं हार्वेस्टर के टैंक को खाली। तो चलो यार, इस हेडर को मुझे रखना है यहाँ पास। देखेंगे भाई कैसा रखूँ इसे, किस पोजीशन में। चलो यार, मैंने सोच लिया, अभी इसे डायरेक्ट ही रखता हूँ। और ये आ चुका है अपनी पोजीशन में, तो इसे खोल देता हूँ। अभी गाइस जो हम डायरेक्ट करने वाले हैं ट्रॉली को अटैच, जस्ट सामने रखी हुई, और इसे ले जाने वाले हैं उसी फार्म के पास। तो मैंने यार ट्रॉली को अटैच किया और डायरेक्ट आ गया हार्वेस्टर के पास। तो अभी करते हैं खाली, देखेंगे ट्रॉली कितने परसेंट होती है इस फुल टैंक में। तो यार इस फुल टैंक में जो हमारी ट्रॉली हुई है 15%, काफ़ी ज़्यादा बड़ी ट्रॉली है, यानी एक टैंक में 50% हुई। आई थिंक इसमें दो टैंक बन जाएंगे, थिंक क्या भाई, बन ही जाएंगे। तो चलो यार, अभी हम हेडर ला चुके हैं, तो अभी इस हेडर को रखेंगे और जो हम अभी नया हेडर लेकर आए हैं जो कि है वीट का, उसे अटैच करेंगे। तो जस्ट सामने भाई हमने इसे है जो सही पोजीशन में रख दिया था अपने इस हेडर को। और अब है जो हम इस कॉर्न के हेडर को खोलकर और इस हेडर को अटैच करेंगे, तो भाई इसे है जो अभी हम यहीं पास रख देते हैं, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई इसे खोल देते हैं, और अभी भाई क्या हो रहा है, अभी खोलते हैं। और ये अभी मैंने खोल दिया है, अभी गाइस पीछे लाते हैं, पीछे पीछे, और ये हो गया। अभी भाई हेडर को करेंगे अटैच, देखेंगे भाई, और फर्स्ट टाइम में हो गया। काफ़ी बड़ा हेडर है भाई, काफ़ी बड़ा हार्वेस्टर भी, हम लोगों ने डायरेक्ट ही बड़ा हार्वेस्टर है जो परचेज़ किया था। चलो यार, काफ़ी ज़्यादा कवर कर रहा, मज़ा आने वाली। और अभी हो चुकी है नाइट, आप लोगों को वीडियो ज़्यादा सही नहीं आ रही होगी, ठीक है, आई नो, अभी लाइट चालू होने वाली है। तो अब गाइस जो हम मिलते हैं डायरेक्ट एक बार और मॉर्निंग होने के बाद, और तब तक काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या बोल रहा हूँ भाई, तब तक काफ़ी ज़्यादा काम भी हो जाएगा, ठीक है, लाइट भी ऑन हो चुकी है। तो चलो यार, वीडियो को स्किप करते हैं। तो गाइज यार, अभी है जो मैं कर रहा था स्ट्रॉ इकट्ठा, जैसे ही मैंने स्ट्रॉ इकट्ठा की भाई, अभी थोड़ा बनने दो, और देखा भाई इसका जो टैंक है वो फुल हो चुका है। तो अभी मैं इसे खाली करता हूँ। तो भाई ये रही ट्रॉली, और ये अभी 15% ही है, तो अभी इसे होना है 100%, और हो भी जाएगी, क्योंकि भाई एक में होती 15, तो दो में 100% हो जाएगी, ठीक है। तो हो चुकी है, और अभी गाइज मैं इसे सेल करने की सोच नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट करने ही जा रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास 1,86,000, और जो हमारा टारगेट था वो करना है पूरा 2,00,000 का। तो भाई अभी मैं इसे पास वाले सेलिंग पॉइंट पर ही सेल करने वाला हूँ, और फिर उसके बाद स्टोर इकट्ठा करेंगे, देन वीडियो ख़त्म करेंगे। तो भाई अभी हम आ चुके हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है ना। वीडियो पर काफ़ी कम लाइक आते हैं भाई, 10-20, ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा लाइक दो यार। चलो ठीक है, अभी हम इसे सेल करेंगे और देखेंगे कितने पैसे होते हैं भाई। 100% ट्रॉली थी और 185 थे, तो भाई अभी हो चुके हैं 223, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। अब गाइस है जो हम सारे के सारे स्ट्रो को इकट्ठा करते हैं, और देन है जो अपनी काउ के स्टोरेज में डाल देंगे। तो बस गाइस यार, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, एंड गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू, सपोर्ट मी, एंड बाय। Hold me close till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left, the storms we chase are leading us to